बॉलीवुड वाले कहते हैं कि जनता उनके पीछे ऐसे ही पड़ी हुई है और बिना किसी कारण उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर रही है, परंतु देखा जाए तो बॉलीवुड की जो मौजूदा परिस्थिति है उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है। अपनी बर्बादी की पटकथा बॉलीवुड ने स्वयं ही लिखा है। अब आप आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म डार्लिंग्स को ही देख लीजिए। अन्य बॉलीवुड फिल्मों की तरह डार्लिंग्स भी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कैंपेन के लपेटे में आ गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट डार्लिंग ट्रेंड कर रहा है, जिसके पीछे का कारण फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, किसी भी तरह से इनको जायज ठहराया ही नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे एंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी आने वाली फिल्म के माध्यम से आलिया भट्ट पुरुषों के साथ होने वाले घरेलू हिंसा को सामान्य बनाने पर तुली हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। डार्लिंग्स की कहानी घरेलू हिंसा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला घरेलू हिंसा का बदला अपने पति से लेती है, परंतु उसका बदला लेने का अंदाज भी बिल्कुल अनोखा है। फिल्म में आलिया भट्ट आपको बद्रुनिसा शेख की भूमिका निभाती नजर आएंगी, वहीं उनके पति हमजा शेख का रोल विजय राज निभाते दिखेंगे। शेफाली शाह भी डार्लिंग्स में मुख्य किरदार निभाती दिखाई देंगी। आप अगर डार्लिंग्स का ट्रेलर देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि कैसे घरेलू हिंसा को इस फिल्म के माध्यम से मजाक के रूप में पेश किया जा रहा है। ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा कि आलिया भट्ट बदले के नाम पर अपने पति को मारती पीटती हैं, उनको टॉर्चर करती हैं और इसे बड़े ही डार्क कॉमेडी की तरह लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ट्रेलर के कुछ दृश्यों में देखने को मिलेगा कि आलिया विजय के हाथ बांधती हैं और कड़ाही से पीटती हैं और वो अपने पति को प्रताड़ित करते हुए हर हद को पार कर जाती हैं। ऐसा करने को औरतों के अपमान का बदला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु यहाँ कई तरह के प्रश्न उठते हैं जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। घरेलू हिंसा को लेकर सबक सिखाने का ये कौन सा तरीका हुआ? क्या आलिया भट्ट अपनी फिल्म के माध्यम से पुरुषों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, या फिर क्या वो घरेलू हिंसा को इस तरह कॉमेडी के साथ प्रस्तुत कर पुरुषों के विरुद्ध होने वाले घरेलू हिंसा को सामान्य बनाना चाहती हैं? घरेलू हिंसा समाज का एक बेहद ही गंभीर विषय है और उसका इस तरह से मजाक बनाना आखिर किस हद तक जायज है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, परंतु जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं। परंतु वास्तविक समस्या ये रही है कि इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता है, इस पर कभी बात नहीं की जाती है खुलकर। अब आलिया भट्ट के डार्लिंग्स के ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लगता है कि पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने और उकसाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसके साथ ही घरेलू हिंसा जैसे गंभीर विषय को भी सामान्य बनाया जा रहा है और इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इन्हीं कारणों से डार्लिंग्स लोगों के निशाने पर आ गई है और लाल सिंह चड्ढा रक्षा बंधन के साथ साथ लोग आलिया भट्ट की इस आने वाली फिल्म को भी बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। एक यूजर ने डार्लिंग्स फिल्म को लेकर आपत्ति जताते हुए ट्विटर पर कहा, पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को सामान्य क्यों बनाया जा रहा है और इसका मजाक क्यों बनाया जाता है? भारत में 3.4 करोड़ पुरुष घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। वहीं एक अन्य यूजर ने तो आलिया भट्ट की तुलना एम्बर हर्ड के साथ तक कर दी और लिखा, आलिया भट्ट और कुछ नहीं भारत की एम्बर हर्ड हैं और वो पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती हैं और इसका मजाक बना रही हैं। यहाँ ये भी जान लेना होगा कि डार्लिंग्स में आलिया भट्ट केवल अभिनय ही नहीं बल्कि वो इसकी निर्माता भी हैं। जी हाँ, मैडम आलिया इस फिल्म के माध्यम से एक प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू करने जा रही हैं। डार्लिंग्स को गौरव वर्मा, आलिया भट्ट और गौरी खान ने
मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 5 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी हो जाने को तैयार है। हालांकि इससे पहले ही फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आलिया भट्ट तो अब प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, तो कम से कम फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है इसकी थोड़ी जिम्मेदारी उनको भी उठानी ही चाहिए। लेकिन अब ये आलिया भट्ट को समझाए कौन, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।